आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। सिनेमा जगत का एक बड़ा नाम राजू श्रीवास्तव, जो हम लोगों को हंसाते हंसाते रुला गए हैं, हम उनके प्रति आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और विशेष रूप से श्रद्धांजलि के लिए हमारे साथ ये गया ज़िले के बेलागंज के संजय हैं। इनको किस रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम इनसे देखते हैं कि किस तरह हंसाते हंसाते रुला देने वाले राजू श्रीवास्तव को कैसे ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ संजय, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। थैंक यू सर। राजू श्रीवास्तव अक्सर कहते थे कि इतना शराब मत पिया करो, इतना शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। तो एक शराबी जो बहुत पी के मतलब लास्ट टाइम पर था, तो भगवान प्रकट हुए, बोले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो शराबी बोलता है प्रभु प्रभु ऐसा करना, अगले जन्म में मुझे भले ही दो दांत कम देना, लेकिन लीवर पूरा 32 मांगता है। धन्यवाद सर। तो भगवान प्रकट हुए, बोले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो शराबी बोलता है प्रभु प्रभु ऐसा करना, अगले जन्म में मुझे भले ही दो दांत कम देना, लेकिन लीवर पूरा 32 मांगता है। धन्यवाद सर। और कोई कुछ और उनका सुनाइए। एक आदमी एक डॉक्टर के पास बोला, डॉक्टर के पास गया एक पेशेंट, तो डॉक्टर बोला बच्चे तुम दांत दिखाओ, मैं तुम्हारा दांत निकाल सकता हूँ बिना, सॉरी सर फिर से थोड़ा ठीक है रिपीट करो। एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि अपना दांत दिखाओ। तो एक बच्चा बोलता है कि सर आप बिना हथियार के दांत निकाल सकते हैं? तो बोला कि नहीं, बिना हथियार के कैसे निकलेगा, तो मजाक कर रहे हम इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो बोला बच्चा बोला कि सर मैं बिना दांत बिना हथियार के दांत निकाल सकता हूँ। तो बोला कैसे? हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि कौए कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कौए बहुत शातिर होते हैं, वो ऐसे नहीं शातिर होते हैं, उसके पीछे बहुत कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, जिनको लेकर हम एक कॉमेडी कर रहे हैं जो राजू श्रीवास्तव को अनुसरण करने के लायक है। तो एक कौआ एक मालिक के घर में ऐसा होता है कि नौकर और बच्चों को बिना मतलब के डांटते रहते हैं। तो कभी बच्चों को डाल दे क्या कर रहा है, फट फट फुर, ये चप्पल किसने लगा, फुर, ये गाड़ी किसने लगा, चल फर। वॉचमैन बेचारा सही से ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसको डांट दे कैसे खड़े हो, ठीक से खड़े हो, जहाँ सा वहाँ कहाँ सा। तो एक कौआ बड़े ध्यान से उसको देखता था रोज़, वो आराम से पेड़ पर से देखते रहता था कि ये रोज़ रोज़ परेशान करते रहता है, किसी न किसी को परेशान करते रहता है। तो उसने सोच लिया एक दिन इसको बताऊँगा, एक दिन इसके ऊपर करूँगा जरूर। उसने एक दिन एंगल बना के ठीक यहाँ पे शर्ट पे कर दिया, अब उसकी पूरी शर्ट ख़राब। अब बताइए वो कौए में भड़क रहा है, ओए चड्डी नहीं बनता क्या? कौआ तो शातिर होता है, वो भला चुप क्यों बैठा है, बोला क्यों तुम लोग पहन के करते हो क्या? वेरी गुड, थैंक यू सर। चलिए आप एक जॉनी लीवर का क्या कहना चाहते थे? जॉनी लीवर साहब का एक अच्छा बहुत ही फेमस हुआ था, बाबा क्या कर रहा है तू, बाबा क्यों कर रहा है तू, बाबा बाबूलाल का दिमाग खराब मत कर वरना मैं सब भूल जाऊंगा, बाबा मैं भूल जाऊंगा। अनारकली कौन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है, भूल गया बाबा भूल गया। वेरी गुड संजय, आपने काफ़ी अच्छा किया और आपने बिल्कुल उस हंसाने वाले कलाकार ने जो आज रुला दिया है पूरे देश को, आपने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा तरीका अपनाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय। थैंक यू वेरी मच आजकल, थैंक यू।